गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर व्लॉग्स। आज हम लोग बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक। यानी दो चिकन ले लिए अपनी, दो स्टिक है ड्रम स्टिक। अब इसको हम प्रोसेस करेंगे, इसको हम पूरा बॉडी सारी हटा देंगे इसकी, फिर मसाला बनाएंगे, आपको हम दिखाते हैं थोड़ी देर में। क्या थी, हमने इसके अंदर जितना भी गोश्त था हमने इसमें निकाल दिया। हमने प्याज काट के रख ली थी चॉप करके बारीक बारीक। हमने ये मिर्चे भी काट के रख दी। इसमें हमने सिरका डाला है थोड़े मुलायम होने के लिए। एक अंडा भी ले लिया। अब हम सब इसको मिक्स करेंगे एक बॉल के अंदर। ये हमारी मुर्गी है जो हम इस बॉल में डालने जा रहे हैं। फिर हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो कुटी हुई मिर्चें हैं, इसके अंदर हमने शामिल कर ली जितनी भी थी, जो हमारी जितनी भी प्याज है अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं। अब हम इसमें प्याज शामिल करने जा रहे हैं जो हमने चॉप करके रखी थी। अब दो प्याज ले लेंगे, हमने प्याज इसमें डाल दिए। इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे, इसको हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे फिर मिक्स करेंगे। ये हमारा कॉर्नफ्लावर, ये हमारा कॉर्नफ्लावर है, ये मैदा है, ये खाने का सोडा हमने लिया है, ये काली मिर्च हमने ली हैं, ये कुटी हुई मिर्चें ली हैं और ये नमक लिए। अब हम सब इसमें शामिल कर देंगे, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे सारी क्वांटिटी। अब इसमें हम अंडा भी शामिल करने जाते हैं। इसमें हम अंडा शामिल कर रहे हैं, को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से हाथों से, अपने दबा दबा के जैसे हम रोटी गूंथते हैं उस तरह, अच्छी तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से, अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, अच्छी तरह से सब जगह से इसको मिक्स करना है। डो की तरह इसको पहले तैयार करनी है। ये देखें, आपको दिख रहा होगा हमारा जो पीस है वो किस तरह हो गया है। अच्छी तरह से हम घुमाएंगे इसको। अब इसमें हम चिली सॉस डालने जा रहे हैं एक चम्मच। अब इसमें हम सोया सॉस डालने जा रहे हैं एक चम्मच। अब इसमें हम सिरका डालने जा रहे हैं एक चम्मच। इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, लचीला पेस्ट बन जाए अच्छी तरह से। इसको मिक्स करेंगे, हमने अच्छी तरह से इसके गोले बना लिए, आपको दिख रहा होगा उसको। आज ऐसे करके गोले बना लिए, हल्के हम हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर स्टिक पे लगाना चाहें तो स्टिक पे लगा लें। हम इस तरह से बना रहे हैं क्योंकि बार बार स्टिक का भी अलग है, ऑयल भी वो ज़्यादा कंज्यूज कर मतलब अंदर ले लेगा, स्टिक हो या वो हड्डी हो वो ले लेगी। हमारे गोले तैयार हो गए हैं, अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं। हल्की आंच पे बनाना है इसको हमें। हल्की आंच पे बनाना है इस तरह से, हल्की करके सारे इसको डाल देना है। हल्की आंच पे पकाना होगा सारे, पक रहे हैं हम, थोड़ा सेट करेंगे अपने इनको। हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अब इसको हम थोड़ा हिलाएंगे, आपको दिख रहा होगा हमारे हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं।
हमारे ड्रम स्टिक, इसको हम थोड़ी देर हल्की आँच पे और पकने देंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं थोड़ी देर में किस तरह से तैयार हुए, और अंदर अंदर से भी दिखाएंगे पूरे पक्के अच्छी तरह से बन जाएंगे। इसी फ्लेम पे रखना है हमको। अब देखिए हमारे ड्रम स्टिक तैयार हो गए हैं, आपको पहले दिख रहे हो कितने पतले पतले थे, अब अच्छे खासे तैयार हो गए हैं। अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं हल्के हल्के करके, हल्के हल्के करके सब को डिश आउट कर रहे हैं हम। जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह आपको कलर वाला दिख रहा होगा, माशाल्लाह से बेहतरीन बेहतरीन आ रहा है, उसको हम डिश आउट करेंगे, हम डिश आउट करेंगे। आपको कलर दिख रहा होगा माशाल्लाह से, माशाल्लाह से हमारे ड्रम स्टिक तैयार हो गए हैं। आप केचप, मायनीज, हरी चटनी उसके साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे शौक से खाएंगे, बाहर से अच्छा घर में बनाए मज़ेदार, घर में बनाए मज़ेदार ड्रम स्टिक आपको दिख रहा होगा माशाल्लाह से माशाल्लाह। हमारे ड्रम स्टिक की क्वालिटी भी दिख रही होगी, कलर भी दिख रहा है माशाल्लाह से, बाजार जैसा घर में बनाए। दुआओं में याद रखेंगे, लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।